व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरारें या फिर घर का बिगड़ा हो कोई वास्तु आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आया है तथास्तु। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वास्तु ज्ञान की जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हर एक समस्या को खत्म कर देगी। दोस्तों आज मैं दूंगा आपको 15 वास्तु की ऐसी टिप्स जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी, लेकिन आपको इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है, अपनी दिनचर्या में शामिल करना है और आप देखिए कैसे आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अपने घर से जुड़ी हर एक समस्या का हल मिलेगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे अचूक उपाय जो आपको देंगे आपकी हर समस्या का समाधान। तो दोस्तों अगर आपके पास घर से जुड़ी कोई समस्या है, घर का कोई कलह, आपसी तनाव, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में ना हो। दोस्तों ध्यान रहे कि संत महात्माओं के चित्र आशीर्वाद देते हुए बैठक में लगाएं, साथ ही साथ ध्यान रखें सूखे फल घर में ना रखें। जब भी आपके घर में कोई सूखे फल या फूल हो जितना जल्दी हो सके उन्हें घर से बाहर करें। दोस्तों वास्तु की दृष्टिकोण से माना जाता है कि घर में सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं करना बहुत शुभ होता है। अगर आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं से जूझ रहे हैं या फिर घर में कुछ ऐसी स्थिति है जिनसे आप चाहकर भी निजात नहीं पा रहे, तो सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं जरूर करें। दोस्तों कहा जाता है अगर घर का किचन सही है, घर के किचन का वास्तु उचित है तो घर भी उचित ही रहेगा। तो ऐसे में आप गेहूं में नागकेश्वर के 2 दाने तथा तुलसी की 11 पत्तियां डालकर पिसाया जाना शुभ माना जाता है। घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर लगाना भी बहुत शुभ है। दोस्तों तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे मारना बहुत शुभ माना जाता है और पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी बहुत जरूरी है। ऐसे करने से आपके घर में धन के भंडार बने रहते हैं और घर में कुबेर भगवान खुश रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं दिशा की। दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में हरियाली से परिपूर्ण चित्र जरूर लगाएं। दोस्तों कोशिश करें कि आपके घर में कोई ऐसा चित्र ना हो जो आपकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाले, जैसे कि किसी युद्ध का चित्र या किसी जंगली जानवर का चित्र। आप संत महात्माओं के चित्र आशीर्वाद देते हुए बैठक में जरूर लगाएं, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही साथ घर में प्रेम संबंध बने रहते हैं। दोस्तों घर में टपकने वाले नल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करवा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्यापार में तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ घर में भी बीमारियां पनपेंगी। तो अगर आपको लगता है कि घर का कोई नल का या नल टपक रहा है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं। दोस्तों घर में गोल किनारों के फर्नीचर को शुभ माना जाता है, तो जब भी आप शॉपिंग पे निकलें तो ये ध्यान रखें कि आपको घर की सुंदरता से ज़्यादा घर की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो जब भी आप घर के लिए फर्नीचर खरीदें तो वो गोल किनारों का ही होना चाहिए। दोस्तों घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की गैलरी में या पूजा स्थान के पास रखें। ऐसा करने से घर में बीमारियां नहीं आती, साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों अगर वास्तु की माने तो उत्तर या पूर्व दिशा में की गई जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ होती है, इसलिए घर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों वास्तु एक महज मजाक नहीं है। जो वास्तु शास्त्र के ज्ञानी हैं उनका यही कहना है, वास्तु आपकी जिंदगी में वो खुशियां ला सकता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। उसके लिए आपको वास्तु के सारे नियमों का अच्छे से पालन करना होगा और उसे अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तु के जरिए आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, ये आपकी जिंदगी में हर तरीके की समस्याओं का हल बन सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको वास्तु की एक नई दुनिया में ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।